आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली स्पेशल बहुत ही यम्मी पेड़े की रेसिपी। इस पेड़े को बनाने के लिए आपको मिल्क पाउडर या फिर दूध की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बगैर मावा तैयार किए, बगैर मावा यूज़ किए हम बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट पेड़े बना करके तैयार करेंगे। इसके अलावा इन पेड़ों को बनाने के लिए आपको चाशनी वगैरह भी नहीं बनानी है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़िया हमारे पेड़े जो हैं वो बन करके तैयार हुए हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और शुरू करने के पहले हम इन पेड़ों को एक बार तोड़ के ज़रूर देख लेते हैं कि ये अंदर से किस तरीके से बने हैं, इनका टेक्सचर कैसा है। तो इन पेड़ों को आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिनों तक तो ये बिल्कुल ख़राब होने नहीं वाले, रूम टेम्परेचर पर भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, ये देखिए पेड़ा बन करके तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से सेट हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमें सूजी चाहिए, आज हम सूजी से जो है पेड़े बना करके तैयार करेंगे। और हमने जो है यहाँ पर जो है 2 कप सूजी ली है। आप इसके लिए बारीक वाली या मोटी जो भी सूजी हो आप ले सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सूजी को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो गैस के फ्लेम को आपको धीमा रखना है और इसके बाद हम सूजी को एक बार ही अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से गर्म हो चुकी है। और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। देखिए मैंने टोटल 1/2 कप घी लिया है, जिसमें से 1/4 कप घी मैं अभी डालूँगी और 1/4 कप इसमें जो है घी बचा रहने दूंगी। यानी 1/2 कप में 1/2 घी आपको अभी डालना है और 1/2 हम बचा लेंगे। और इस तरीके से अब हम इसे चलाते हुए भून लेंगे, घी के साथ में सूजी को हमें भून लेना है। और यहाँ पे आज हम इसका हल्का सा कलर चेंज करके बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो आपको भूनने में जो समय है वो 8 से 9 मिनट का समय लग सकता है अगर आप बिल्कुल धीमी आँच पर भून रहे हैं। और अगर आप मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं तो 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से भून करके तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके का हमें कलर चाहिए आज की रेसिपी के लिए, बस इतना ही हम भूनेंगे, इससे ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। परफेक्टली हमारी जो सूजी है ना वो अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ध्यान रखिएगा इसे ठंडा नहीं होने देना है। और एक फटाफट से जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 कप जितनी चीनी और इसी के साथ हम इसमें 2 हरी इलायची डाल देंगे। इसी तरीके से आप चाहे तो छिलका हटा करके भी डाल सकते हैं और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए चीनी का इलायची के साथ में पाउडर बन करके बिल्कुल तैयार है। और अभी जो हमने सूजी भून करके रखी थी ना उसको ले आते हैं। देखिए जो सूजी है ये गर्म ही है और गरम गरम सूजी को हम इसी जार में डाल करके अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस इस तरीके से हमने थोड़ा सा सूजी डाला है पहले और चीनी के साथ में ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से जब आप चीनी के साथ में सूजी को पीस लेते हैं ना तो इसमें जो है क्या हो जाता है कि थोड़ी नमी आ जाती है। और इसी तरीके से अभी मेरे जार में काफ़ी जगह है तो मैं जो है थोड़ा और सूजी डाल करके इसे पीसूंगी। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है इस पेड़े को बनाने के लिए कि सूजी आपको गर्म ही पीसनी है, थोड़ा बहुत आप ठंडा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा गर्म नहीं पीसना चाहते। और आपको दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि बड़ा जार ही लेना है ताकि ये सारी सूजी एक बार में ही अच्छे से पीस जाए। और अभी ये देखिए हमने 2 बार सूजी डाल करके इसको पीस लिया है, बहुत अच्छे से पाउडर बन गया है और काफ़ी वाइट कलर सा हो गया ये सूजी, जबकि हमने काफ़ी डार्क भुनी थी। और अब हम ये 1/2 मिक्सचर जो है इसे निकाल देंगे, 1/2 हम इसी में जार में रहने देंगे क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ी सूजी और बची हुई है तो उसको भी हम इसी जार में डाल करके भून लेंगे। चीनी के साथ सूजी जो है अच्छी तरीके से जो है ग्राइंड हो जाती है तो इसीलिए आपको चीनी के साथ जो है इसे भूनना है। और दूसरी बात, थोड़ा सा मिक्सचर में नमी आ जाएगी जिसकी वजह से हमारे पेड़े आराम से बंध जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बाकी की जो सूजी है ना इसको भी हम इसी जार में डाल देते हैं और इसी जार में डालने के बाद हम जो है इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। आपको जार में अलग से कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको अलग से इसमें दूध या घी कुछ भी अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरीके से सूजी को ग्राइंड करेंगे जैसे कि हमने पहले ग्राइंड किया हुआ है। और ग्राइंड करने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। तो पहले मैं इसको ग्राइंड करके ले आती हूँ और ये देखिए मैंने सूजी को लास्ट जो हमारा बैच था इसको भी ग्राइंड कर लिया है। इसमें कम चीनी का मिक्सचर था तो उतना ज़्यादा कलर इसका नहीं जो है गया है वाइट। और इसे भी हम इसी के साथ निकाल लेंगे और फिर हम सारी
मिक्सचर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम जार से अच्छे से निकाल लेते हैं और हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हमने गर्म ही पीसी हैं। तो ये जो मिक्सचर है ना, ये भी गर्म है, ये एकदम ठंडा मिक्सचर नहीं है, ये गर्म मिक्सचर है। तो अभी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जो पेड़े हैं ना, वो गर्म गर्म में ही बना करके तैयार कर लें, आराम से बंध जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये देखिए, पहले हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने पर जब आप इसे बांध करके देखेंगे ना, तो ये आराम से बंधेगा, बंधने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से आराम से ये बंध ही रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस मिक्सचर से आप लड्डू भी बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं आराम से ये बंध रहा है, इतनी इसमें नमी आ चुकी है क्योंकि हमने इसे गरम गरम पीस लिया था। तो अभी जो है इसमें थोड़ा सा मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसी कढ़ाई में मैं सारा का सारा जो मिक्सचर है ना, इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो आप पहले से ही कोई बड़ा बर्तन लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसमें डाल देने के बाद हम जो है इसे एक बार अच्छे तरीके से हाथों से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद देखिए, वैसे तो मैंने आपको बांध करके दिखा दिया कि ये बंध रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इतना फोर्स नहीं लगाना पड़े और आराम से हमारे जो पेड़े हैं वो बंध जाएं, उसके लिए हम ये जो हमारा 1/4 कप घी हमने छोड़ दिया था, इसको गर्म करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हमारे जो है पेड़े बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको गर्म करके ही दूध को ऐड करना होगा। पर दूध ऐड करने से क्या होगा कि इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसे आप इन लड्डुओं को बनाएंगे तो 15 से 20 दिनों तक आप इन्हें खा सकते हैं बगैर फ्रिज में रखे। और अगर आप जो है इसमें दूध मिला देते हैं तो ये जो पेड़े हैं इनको आपको जो है 5 से 7 दिनों में ख़त्म करना होगा, और फ्रिज में रख के आपको इसे स्टोर करना होगा। तो इसीलिए मैंने इसमें घी ऐड किया है। और ये देखिए, अब आराम से इसके पेड़े बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से हम सारे के सारे जो हमारे पेड़े हैं उन्हें बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पेड़े बन करके तैयार हो गए हैं। और 2 कप सूजी से आप देखिए, बहुत सारे हमारे पेड़े बन करके तैयार हुए हैं। और इन पेड़ों को बनाने के लिए देखा आपने, हमने मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया, हमने मिल्क भी यूज़ नहीं किया, थोड़े से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन बनाने का एक नया तरीका है। इस तरीके से आप फटाफट से लड्डू बना सकते हैं सूजी के, आप इस तरीके से पेड़े बना सकते हैं, जो भी आपको लगे कि बनाना चाहिए आप इससे मिक्सचर से जो है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। गार्निश किया मैंने थोड़े से पिस्ते के साथ में, आप इसे अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं, प्लेन भी रख सकते हैं। और अब आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही ये 15 से 20 दिनों तक ख़राब नहीं होंगे, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है इन पेड़ों को। और सबसे खास बात, बगैर चाशनी बनाए ये पेड़े बहुत अच्छे से सेट हुए हैं। जब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाऊंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छे से सेट हुए हैं, क्योंकि हमने इसे गरम गरम चीनी के साथ पीसा था ना, तो चीनी ने जो काम किया है वो एकदम चाशनी वाला काम किया है। और ये देखिए कितने